हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं अशोक लीलैंड की तरफ से गरुड़ 15 मीटर बस के चेसी को। क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सारा फील है, क्या यूएसपी है, उन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं, और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। इस वक्त हम आए हैं डेली एक्सपो के अंदर, जहां पर हम अशोक लीलैंड के हर एक प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अपने नियरेस्ट जो भी अशोक लीलैंड की डीलरशिप है वहां पर जाइए, गाड़ियों को एक्सपीरियंस कीजिए और अपने लिए एक अमेजिंग कॉमर्शियल व्हीकल लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गरुड़ 15 मीटर चेसी को। सो दोस्तों, पेश करते हैं अशोक लीलैंड गरुड़ 15 मीटर बस चैसी। सो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जब आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ, मतलब इस गाड़ी पे वैसे लिखा हुआ नहीं होगा, यहाँ पे गरुड़ 15 मीटर बस चैसी की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग लिखी हुई है। सो ये ऑल ओवर लिखी हुई नहीं आएगी, ये तो अभी डिस्प्ले के अंदर लिखी हुई है। जब आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो बहुत बड़ी साइज़ का आपको इंटरकूलर मिलता है, उसके साथ ही बड़ी साइज़ का रेडिएटर मिल रहा होता है, और उसके साथ में यहाँ पर क्योंकि बस का चैसी है तो सारे के सारे कंपोनेंट जो है एक्सपोज्ड है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही हैलोजन बेस आपको हेडलैम्प मिलते हैं, जिसके साथ क्यूट क्यूट से आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। सो जितने भी लोग हैं अपने हिसाब से इस बस को कस्टमाइज करा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो 15 मीटर के अंदर आपको फ्रंट इंजन ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से जो लेंथ है वो अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है, और उसके साथ में ड्राइवर भैया जब गियर चेंज करते हैं तो हर गियर का उनको पता रहता है आवाज़ के हिसाब से कि होता है ना कि यार बस के गियर चेंज करने पर क्या फील है, क्या सारी चीज़ें। अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो FM2515.OF6R इस मॉडल का मॉडल नेम है, मतलब इस चैसी का मॉडल नेम है। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे बहुत बड़ी साइज़ का एयर इनटेक, उसके साथ ही बहुत बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पर मिलता है एयर फिल्टर, और उसके साथ ही आपको मिलता है 4 सिलेंडर ए सीरीज़ का आइस जनरेशन 6 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 248 हॉर्स पावर, उसके साथ में 900 Nm टॉर्क। सो अच्छा खासा टॉर्क इंजन। जैसे आप इस तरफ देखते हो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल रही होती है, जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो। अब ये जो गाड़ी है, एक काम करते हैं यहीं से शुरू करते हैं जब बाकी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखेंगे आपके पास में एक चैसी का फ्रंट है, जिसपे आपके पास में सप्लायर कोड और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब जैसे आप ऊपर की तरफ आते हो, ओहो भाई साहब ये तो एक्सपीरियंस ही अमेजिंग है। सो जैसे आप देखते हो बहुत ही बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पर जो स्टेयरिंग मिलता है, जिसके बीचों बीच अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग, राइट हैंड साइड हमारे पास लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और लेफ्ट की तरफ आपके पास में वाइपर कंट्रोल, जिसके साथ में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा खासा बड़ा आपके पास में यहाँ पर स्पीडोमीटर, जिसके अंदर 160 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड, उसके साथ में फ्यूल गेज, बीचों बीच एक आपके पास में डिजिटल डिस्प्ले जिसके अंदर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और राइट हैंड साइड हमारे पास में आरपीएम मीटर आ जाता है। उसके साथ ही ओबीडी का यहाँ पर आपके पास में स्क्रू के साथ में एक सॉकेट लगा हुआ, और उसके साथ में यहाँ पर कुछ स्विच में की बैंक लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल बैटरी कट ऑफ करना, एक्सटर्नल बैटरी कट ऑफ करना, उसके साथ में हैजर्ड लाइट स्विच, साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में DF स्टार्ट करना, मतलब रीजनरेशन स्टार्ट करना, और उसके साथ में जो रीजनरेशन उसको बंद करने का बटन, साथ के अंदर यहाँ पर AC का बटन, और उसके साथ में अगर कभी भी आप बस को लेकर किसी भी हिल से नीचे की तरफ उतर रहे हो तो हिल असिस्ट का आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ के अंदर आपको 6-speed ट्रांसमिशन बस के अंदर जो गियर है वो मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हाईवे पर आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील है, और इस फील को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गिल पाजी जो हमारे यूट्यूबर ट्रक ड्राइवर भैया हैं, जो मतलब ट्रक की बॉडीज कस्टम कर रहे होते हैं, उनको यार मज़ा तो बहुत आता होगा। तो गिल भैया, आपका फील जो है किसी दिन हम भी एक्सपीरियंस करेंगे आप ही के साथ बैठकर। वापस आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। अगर मैं सीट की बात करूं तो अच्छी खासी कंफर्टेबल मुझे ड्राइवर सीट मिल रही होती है, अच्छी खासी कुशनिंग है, कुछ भी इसमें चेंज करने जैसा नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट से लेकर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको मिल रही होती है। अब यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भैया काम वगैरह कर रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं, फ्रंट के अंदर जब आप बात करें तो आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जिनका टायर सेक्शन है 295 ATR 22.5। साथ के अंदर पीछे की तरफ क्या है टायर साइज़ और कितने टायर्स हैं पीछे की तरफ चलेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा खासा मोटा आपको चैसी मिल रहा होता है। हाय भाई लोगों सब भैया लोग सब काम कर रहे हैं। सो उसके साथ ही जब आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो आपको फ्रंट के अंदर एयर सस्पेंशन का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ ही
पैराबॉलिक लीफ का भी सस्पेंशन का ऑप्शन मिलता है। सो फ्रंट के अंदर चार आपको पैराबॉलिक लीफ, और उसके साथ ही आपको अगर फ्रंट में भी एयर सस्पेंशन चाहिए ताकि आपकी जो बस है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप फ्रंट के अंदर भी ले सकते हैं एयर सस्पेंशन, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही 375 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। सो प्लास्टिक का अच्छा खासा मजबूत आपको टैंक मिलता है, जिसके साथ ही जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर मिलता है 48 लीटर का DF टैंक। सो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जैसे आप इस तरफ देखेंगे आपके पास में जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल रही होती है। और उसके साथ ही आपको मिलते हैं इस बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्रेकिंग। सो अभी ब्रेकिंग के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे आप पीछे की तरफ आते हो वैसे ही आपका कुछ इस प्रकार का फर्स्ट एक्सल और सेकंड एक्सल का आपको ऑप्शन मिलता है। अब जब हम एयर ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे और उसके साथ में हम एयर सस्पेंशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके के TVS के जो जिसे कहते हैं ना बलून्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपका जो कंफर्ट है वो एनहांस हो जाए। जब आप फ्रंट एक्सल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंगल टायर मिलता है, जैसे आप रियर में देखेंगे वैसे ही आपको दो टायरों का सेट मिल रहा होता है। सो ऑल ओवर ये जो साइज़ कॉन्फिगरेशन है इस सेगमेंट में सिर्फ अकेली मिलती है, जिसमें मैक्सिमम जो बसेज हैं उनमें पीछे की तरफ इंजन आ रहे होते हैं। सिर्फ अशोक लीलैंड की ये वाली जो बस है इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर इंजन ऑप्शन मिलता है, जिसके साथ ही कुछ इस प्रकार का आपको पीछे की तरफ पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सल और सेकंड एक्सल की कॉन्फ़िगरेशन, और साथ के अंदर कुछ इस तरीके का आपको मैकेनिज्म मिल रहा होता है। अब दोस्तों इसी के साथ के अंदर आपको बस के अंदर मिलते हैं एयर ब्रेक्स, और उसके साथ में फ्रंट जो एक्सल है उसके अंदर आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक, जिसकी वजह से जब भी आप अपनी बस को कंट्रोल करते हैं तो उसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। और उसके साथ में ABS होने की वजह से किसी भी आप वर्स्ट सिनेरियो में ब्रेक लगाते हो तो आराम से रुक जाती है बिना स्किड हुई भी। उसके साथ ही आपको ऑल ओवर अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो आपको व्हील बेस मिल रहा होता है 7650 mm, और उसी के साथ में अगर मैं ऑल ओवर चैसी की लेंथ की बात करूं तो 14765 mm, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर हो रहा होता है। अब इस बस के अंदर अगर आपको सीट्स लगानी है तो पुशबैक सीट के साथ में आप 60 सीट प्लस ड्राइवर का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इसको स्लीपर बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 42 स्लीपर बर्थ प्लस ड्राइवर का ऑप्शन बना सकते हैं, जिसके साथ में सिंगल जो डोर आता है वो लगा सकते हैं। जिस हिसाब से आप कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको रेंज जो है बहुत अच्छी मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर LED के अंदर ही टर्न सिग्नल और उसके साथ में जो टेल लैंप है वो सारे के सारे मिलती है, जो कि लेटेस्ट जितनी भी बसेज हैं उन सब के अंदर आ रही होती है। और आप इस बस के अंदर क्या क्या अमेजिंग कर सकते हैं ये तो देखिए दोस्तों, जब आप हमें कमेंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। अगर मैं GVW की बात करूँ तो 22500 kg का ऑल ओवर बस का GVW है, जिसके साथ ही आपको 6 ईयर और 6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 3.5 लीटर पर किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर पर लीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्पेयर टायर है। बाकी तो मैंने देखा है कि बस बनाने वाले जितने भी भैया लोग हैं अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। साथ के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है एक जो ऑल ओवर पावर कट है उसके लिए ऑप्शन, सो बैटरी कट ऑफ जो है वो आप कर सकते हैं। बड़ी ही अच्छी मैसिव साइज़ की आपको इस जो बस है इसके अंदर यहाँ पर दो बैटरी पैक मिल रहे होते हैं, जिसके साथ ही ऑल ओवर कुछ इस प्रकार का वॉक अराउंड। साथ के अंदर आपको जो स्टेयरिंग मिलता है वो पावर असिस्टेड स्टेयरिंग मिलता है, और उसके साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, जिसकी वजह से आप अपने हिसाब से जो स्टेयरिंग है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जैसा भी आप जिस पोस्चर पे कंफर्टेबल बैठना चाहें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और वापस घूमते हुए फ्रंट के अंदर आ गए, जैसे आप चैसी में देखते हैं वैसे एक टोइंग हुक आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब क्या सारी चीज़ें हैं जो कि किसी बस के चैसी में आपको जाननी है, ये तो आप हमें कमेंट करिएगा। वील ट्राई कि हम उस हर एक एक्सपेक्ट के ऊपर बात कर पाएं। फिलहाल के लिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाएं। और अगर आपको भी इस बस को एक्सपीरियंस करना है तो आपके नियरेस्ट जो भी अशोक लीलैंड की डीलरशिप है आप वहाँ पर जाओ, अपने बस को अपने जो व्हीकल है उसको सामने की तरफ एक्सपीरियंस करो, ताकि आप अपने लिए एक अमेजिंग कॉमर्शियल व्हीकल लो। तो ये व्लॉग को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक बस का चैसी ढूंढ रहे हैं। अब एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय।